हमारे साथी अमरजीत सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर, यदि Q51 को डी इनर्जाइज कंडीशन में भेज कर दिया तो VCD ऑपरेट हो जाने पर नॉच रिग्रेस होगा या नहीं होगा? यदि हाँ तो कैसे? प्लीज सर जानकारी देने की कृपा करें। तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर विस्तार से और सर्किट से भी देखकर समझते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट। दिया मैं आपका नॉलेज अपडेट कर रहता हूँ। मेरे वीडियो ओनली फॉर रिवीजन पर्पज से रहते हैं। आपको डिटेल में नॉलेज प्राप्त करना है तो आपके जो प्रॉपर बुक है उसमें जाके ही आपको डिटेल नॉलेज प्राप्त करना होगा। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ऑडियो सुन सकते हैं। बहुत मजा आ जाएगा आपको ऑडियो सुनकर। ऐसे ऑडियो हैं, आपका दिमाग भी तेज होगा, नॉलेज भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं, भाई साहब पूछ रहे हैं, Q51 को हमने ओपन में वेज कर दिया और VCD ऑपरेट हो गया तो ऑटो रिग्रेशन आएगा या नहीं आएगा? तो इस बात को उन्होंने बोला कि सर्किट से समझाना। तो मैं सर्किट को साथ में रख के आपको आज समझा देता हूं कि जब Q50 को ओपन में वेज कर दिया और VCD ऑपरेट हो गई तो क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं सर्किट के अनुसार। तो अब हम सर्किट से भी समझ लेते हैं कि Q51 को अगर हमने वेज कर दिया है, यानी कि डी इनर्जाइज कंडीशन में, जिसको बोलते हैं ओपन में वेज कर दिया है, और VCD ऑपरेट होती है तो ऑटो रिग्रेशन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? तो ये देख रहे हैं आप, टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट, यानी कि GR का पूरा कंट्रोल सर्किट है। GR वो चीज़ है जो नॉच लाती है और नॉच रिग्रेस करते हैं, उसके द्वारा ही सप्लाई आगे जाता है। इसलिए इसी कंट्रोल सर्किट में वो चीज़ हमें मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑटो रिग्रेशन जो है वो V2 के द्वारा आता है और प्रोग्रेशन V1 के द्वारा आता है। तो हमें VCD ऑपरेट होने पर ऐसा क्या काम होता है जिससे ऑटो रिग्रेशन आता है, वो देखते हैं। Q51 की जैसे बात पूछी है तो Q51 को हमने ओपन में वेज कर दिया, यानी कि डी इनर्जाइज कंडीशन में वेज कर दिया है। तो Q51 पे देखो VCD का कोई भी इंटरलॉक नहीं है। QRS का है, PR2 का है, Q48 का है और Q20 का है, बाकी कोई भी इंटरलॉक Q51 पे नहीं है। तो VCD का Q51 से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये समझ लीजिए। तो फिर ऑटो रिग्रेशन कैसे आता है? ऑटो रिग्रेशन जब VCD ऑपरेट हो जाती है तो यहाँ से आता है। देखो, ये QVCD का NO इंटरलॉक SMGR V2 की ब्रांच पर दिया हुआ है। ये ऊपर बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और V2 को सप्लाई कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। ये देखो, ये स्वतंत्र फीडर बोलते हैं इसको। यहाँ से सप्लाई आएगी, इधर जाएगी, QVCD इनर्जाइज होते ही NO इंटरलॉक लग जाएगा और यहाँ से सप्लाई आएगी। ZSMGR नॉर्मल कंडीशन में है तो ये लगा हुआ रहता है, 6 बजे पर जो रहता है ना ZSMGR, तो ये लगा हुआ ही रहता है। और GR 1 से 32, यानी कि GR किसी नॉच पे है तभी तो ऑटो रिग्रेशन आएगा। तो GR जैसे 1 से 32 पे है तो ये लगा हुआ रहता उस समय, और V2 वाल इनर्जाइज होता, और V2 वाल हम जानते हैं कि रिग्रेशन लाने वाला वाल है, V1 प्रोग्रेशन वाला और V2 जो है वो रिग्रेशन वाला। तो VCD ऑपरेट होने पर ये एनोन्ट्रोल लग के V2 के द्वारा डायरेक्ट सप्लाई आती है। इसलिए Q51 को अगर आपने ओपन में वेज भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो रिग्रेशन आएगा, और कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये था जो आपने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब ये है। तो याद रखना, QEMS और QVCD का दोनों का एनोन्ट्रोलॉक डायरेक्ट V2 पे लगा हुआ है, क्योंकि Q51 को कभी आपने ओपन में वेज कर दिया, और BPMS तो इमरजेंसी में दबाते हैं, जब दबाया तो फिर रिग्रेशन नहीं आएगा ना, इसके लिए इन दोनों का इंटरलॉक जो है वो V2 पे डायरेक्ट लगाया गया है, तो इससे रिग्रेशन आ जाएगा। तो मुझे आशा है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।